हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीपी। एमसीपी क्या होता है आज मैं इस पे बात करेंगे। एमसीपी क्या होता है, एमसीपी कितने टाइप के होते हैं, एमसीपी एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ये सब पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर तो कर ही दीजिएगा, जैसे दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो फिर दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमसीपी क्या है, एमसीपी क्या है उसके बारे में बताने से पहले मैं पहले आपको इसका पूरा नाम बता देता हूँ। एमसीपी का पूरा नाम क्या होता है, एमसीपी का पूरा नाम जो होता है वो होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। जी हाँ, मैनुअल कॉल पॉइंट इसका पूरा नाम होता है। अभी समझते हैं ये होता क्या है, मैनुअल कॉल पॉइंट यानी कि एमसीपी होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप शिप पे जाते हैं या कहीं जहाज पे होटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे इस टाइप का देखने को मिलेगा, तो इसी को हम लोग एमसीपी बोलते हैं। ठीक, तो यही एमसीपी है। तो एमसीपी मतलब जैसे कहीं फायर लग गया, ठीक, और हमें फायर सिस्टम को एक्टिवेट करना है मैनुअली। अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं भी किसी भी जगह फायर लग गया, अभी हमको फायर सिस्टम को एक्टिवेट करना रहेगा अलार्म में, जैसे दूसरे लोगों को भी पता चल सके, तो हमें उसको एक्टिवेट करना रहेगा अगर मैनुअली, तो हम एमसीपी से करते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट से करते हैं। इसीलिए इसका नाम मैनुअल कॉल पॉइंट होता है। अभी समझते हैं एमसीपी एक्टिवेट कैसे करेंगे। अभी तो समझ गए एमसीपी क्या है, अभी इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि अभी एमसीपी लगा हुआ है और आपको पता ही नहीं कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इसमें ऊपर ग्लास लगा हुआ रहता है, इसमें आप इसको पंच करेंगे, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप इसको ऐसे पंच करेंगे। जब पंच करेंगे तो इसका जो ग्लास होता है वो टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। जब वो ग्लास टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि ये जो ग्लास है वो पहले ऊपर होता है। जब हम इसको पंच कर देते हैं तो ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो नीचे आ जाता है। तो जैसे वो नीचे आएगा तो फायर सिस्टम अलार्म जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अगल बगल के लोगों को और सभी को पता चल जाएगा इस जगह पे कुछ तो प्रॉब्लम है, डेंजर है, यहाँ पे भी जाना ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ तो डेंजर है। तो दोस्तों, आपको एक्टिवेट करना भी पता चल गया कि कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अभी मैं बताता हूँ ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। पहला नंबर जो है वो होता है BGU। BGU मतलब ब्रेक ग्लास यूनिट, ब्रेक ग्लास यूनिट ये पूरा नाम है इसका। जैसा कि मैंने जो भी जो डिफिनेशन बताया वो ब्रेक ग्लास यूनिट पे बताया था, कि जो हम लोग पंच करते हैं टूट जाता है, ग्लास नीचे आ जाता है, फिर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, हमारा अलार्म सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये BGU का पूरा सिस्टम था जिसपे मैं आपको डिफिनेशन बताया। दूसरा जो होता है पुल टाइप। पुल टाइप में क्या है, देखिए जो BGU होता है ना, उसको जब आप तोड़ देंगे तो उसको फिर रिसेट तो करना पड़ेगा ना। तो रिसेट करने के लिए आप उसको खोलेंगे, फिर उसका ग्लास चेंज करेंगे, ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए लाया गया पुल टाइप। पुल टाइप में क्या है कि आप उसको केवल पुल डाउन, यानी कि नीचे की तरफ आप जैसे ही खींचेंगे आपका फायर सिस्टम वाला एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए पुल डाउन लाया गया, पुल टाइप लाया गया। ठीक, और जो हमारा तीसरा है वो है पुश टाइप। पुश टाइप में दो बटन रहती हैं, एक देखिएगा रेड कलर का रहेगा जैसे आपको दिख रहा होगा साइड में, और दूसरा ग्रीन का होगा। तो आप जैसे कहीं फायर लगा तो आप वो जो रेड वाला बटन है उसको आप प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपका फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो और इजी है, फिर इसको जब एक्टिवेट हो गया उसके बाद जब सही हो गया सब कुछ, कि अभी फायर वायर जो भी लगा था वो सब ठीक हो गया, तो उसके बाद आप इसको आसानी से वो ऊपर ग्रीन वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आसानी से रिसेट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा BGU जो ब्रेक ग्लास यूनिट है उसको तोड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यही सब देखते हुए ये सब दोनों जो हैं ये सब लाए गए, कि इसमें थोड़ा आसानी रहता है, इसमें कोई ग्लास व्लास चेंज
नहीं करना रहता है। तो दोस्तों अभी ये तो टाइप था, अभी समझिए कि एक एमसीपी फ्लोर से कितने डिस्टेंस ऊपर रहता है। क्योंकि अगर एमसीपी अगर आपसे ज़्यादा ऊपर होगा तो आप उसको पुल पुश या ब्रेक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका एक डिस्टेंस रखा गया है। तो जो डिस्टेंस है फ्लोर से उसका डिस्टेंस है 1.4 मीटर यानी कि 1.4 मीटर फ्लोर से ऊपर रहता है। इसका जो फ्लोर से डिस्टेंस है 1.4 मीटर, जिससे आप इसको आसानी से पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। तीन टाइप को मैंने आपको बताया, तीन टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसका डिस्टेंस 1.4 मीटर फ्लोर से ऊपर रहता है। ठीक, अभी एक एमसीपी से दूसरे एमसीपी की मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एक एमसीपी से दूसरे एमसीपी के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो 30 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक एमसीपी से दूसरे एमसीपी के बीच की दूरी 30 मीटर। अभी तो ये रहा डिस्टेंस, अभी हम बात करेंगे जो हमारा एमसीपी होता है ये लगाया कहाँ पे जाता है, कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, ऐसे सब जगह थोड़ी लगा देते हैं। इस ये जो हमारा एमसीपी होता है ये हमेशा एग्जिट एरिया में, यानी कि जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है वहाँ पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी रूम में अगर ये लगाएंगे, पता लगा इनसाइड में, मतलब ऐसी जगह लगा दिए कि आग लगा हुआ है, तो आप वहाँ अगर आप इसको एक्टिवेट करने जाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे निकलने का जगह नहीं रहेगा। जब जगह नहीं रहेगा तो आप तो फंस जाएंगे, फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए क्यों जाएंगे वहाँ पे आग में। तो इसीलिए एग्जिट जगह पे है कि जैसे ही आप आग लगा आप बाहर के लिए भाग रहे हैं, आप उसको एक्टिवेट करते हुए बाहर निकल जाएंगे, इसलिए हमेशा वो बाहर यानी कि एग्जिट जगह पे लगाया जाता है कि आपको जहाँ से निकलना है रहता है वहीं पे एकदम डोर के पास या लगा दिया जाएगा कि जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे उसे एक्टिवेट करते हुए बाहर निकल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आप फायर में फंसेंगे भी नहीं, इसलिए हमेशा एमसीपी एग्जिट एरिया में लगाया जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कमेंट शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ यार कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प करो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।